बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए गुड़ के चावल की बहुत ही इजी, सिंपल और वेरी डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बनाने में इंतहाई आसान है, झटपट बन जाएगी, फटाफट वाली रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। ये हमारी जो पंजाबी नेबर हैं, ये उनकी रेसिपी है जिन्होंने साग भी बताया था। तो ये बहुत ही सिंपल, आसान, मज़ेदार रेसिपी है, ये बनाना शुरू करते हैं। गुड़ के चावल बनाने के लिए मैंने 2 कप सेला चावल को 1 घंटे पहले भिगो दिया था। वेट में मेजर करें तो ये 300 ग्राम्स चावल हैं। आप चाहें तो बासमती राइस भी ले सकते हैं। ये गुड़ है, ये 1 पाव गुड़ है, यानी 250 ग्राम्स गुड़ है और ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा था। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 300 ग्राम्स चावल के लिए 250 ग्राम्स बिल्कुल परफेक्ट है। और 1 टीस्पून सौंफ है, सौंफ से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और ये कुछ कोकोनट स्लाइसेस हैं और आलमंड्स हैं, पील ऑफ करके रख लिए, चाहे तो रेजन्स भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 कप घी है, चाहे तो देसी घी भी ले सकते हैं। 4 कप पानी है, जितने चावल हो उससे डबल पानी होता है, तो 2 कप चावल है तो 4 कप पानी है। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पतीले पे पानी डालकर पकने रख देंगे। पानी में गुड़ डालेंगे। गुड़ को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कूट लिया है ताकि आसानी से मेल्ट हो जाएं जल्दी से। इसमें सौंफ भी डाल देंगे और जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये भी डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा पकने के बाद। थोड़े से मैंने रोक लिए थे गार्निशिंग के लिए। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे कवर कर गुड़ के मेल्ट होने तक पकाएंगे। थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, गुड़ बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाता है। ये देखें 3-4 मिनट ही हुए हैं और गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। हम इसे मिक्स करेंगे, हमारे ड्राई फ्रूट्स भी इसमें पकेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट देंगे। ये सबसे इजी रेसिपी है गुड़ वाले चावल की। ये भीगे हुए सिला राइस में इसमें डाल दूँगी उसका पानी फेंक कर। आप चाहें तो बासमती इनसे भी बना सकते हैं, लेकिन सिला में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसमें आप 1/4 टीस्पून यानी 1/4 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे, जिससे इसकी स्वीटनेस में बैलेंस आएगा। अब इसे कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखें 2 से 3 मिनट हुए हैं इसे पकते हुए। अब इसमें हम घी डालेंगे, पहले इसे मिक्स करेंगे और 1/2 कप घी जो मैंने बताया था अब इसे स्टेज पर डाल देंगे। ये बहुत ही अच्छे से पक रहे हैं और ये थोड़े से थिक थिक से हो गए हैं 3 से 4 मिनट में। 1/2 कप घी 2 कप चावलों में बिल्कुल परफेक्ट है और गुड़ भी बिल्कुल परफेक्ट मीठा है इसका, और ये बहुत ही टेस्टी राइस बनते हैं। अब इसको कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे। बीच बीच में चेक करते रहेंगे। देखें इस तरह 1-2 मिनट बाद मैंने खोल कर इसे इसमें स्पून हिलाया है, फिर कवर कर दिया। 4-5 मिनट बाद फिर मैंने खोल के देखा, चेक किया, इसमें अभी पानी है। जब बिल्कुल पानी ड्राई होने लगेगा तो हम इसे दम पे लगाएंगे। बस इसे कवर करके पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे, थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहना है। ये देखें अभी भी थोड़ा सा पानी है, जब ये पानी ड्राई हो जाएगा तो मैं दम पे लगा दूँगी। ये देखिए पानी ड्राई हो गया था, अब मैंने इसे दम पे लगा दिया है। ये देखें 15 मिनट्स मैंने इसे दम दिया है और 5 मिनट्स के बाद फ्लेम ऑफ करने के बाद खोला है और हमारे बहुत ही डिलीशियस गुड़ के राइस तैयार हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और देखिए कितने सिंपल तरीके से झटपट बन गई, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। ना अलग से चावल बॉयल करने की ज़रूरत है, ना अलग से शीरा बनाने की ज़रूरत है। सारे लोग अलग से चावल बॉयल करते हैं, फिर अलग से शीरा बनाते हैं, फिर इसको मिक्स करके पकाते हैं, वो एक लेंथी प्रोसेस है। आप इस तरीके से चावल बना के देखिए, गुड़ के राइस इतनी जल्दी से फटाफट बन जाएंगे और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। मैंने इस पे कोकोनट स्लाइसेस और पील ऑफ आलमंड्स जो बचा के रखे थे गार्निश के लिए से गार्निश कर दिए हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिएगा। चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दिएगा ताकि मेरी आने वाली बहुत ही टेस्टी रेसिपीज आप तक फौरन पहुँचे। मिलते हैं फिर एक और किसी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये देखें जाते जाते चेक करते जाएँ कितने अच्छे राइस बने हैं, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है हर चीज़ का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।